श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रकृतियों की विकृतियों को हम स्पष्ट रूप से जानते हैं और उनके साथ जब तादात्म्य हो गया तो जीव भाव और जीवत्व और तादात्म्य खत्म हो गया तो फिर हम अपने स्वरूप में लौट आते हैं। बस केवल इतना ही है। इसीलिए जितनी भी साधना है वो इस तादात्म्य को पहचानना, तादात्म्य के प्रभाव को जानना और इस तादात्म्य से अपने आप को वंचित रखना, केवल इतने के लिए ही इतना सारा जंजाल खड़ा हो जाता है। प्रकृति की मोहिनी शक्ति के साथ तादात्म्य करके हम आसक्त बन जाते हैं, आसुरी शक्ति के साथ तादात्म्य करके भोगी बन जाते हैं और राक्षसी प्रकृति के साथ तादात्म्य करके भौतिकवादी बन जाते हैं। और इसीलिए अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वर। जो इस मोह के द्वारा मूढ़ हो गए हैं वो अपने परमात्म स्वरूप को नहीं पहचानते। इसीलिए साधना के दो पक्ष हैं, एक है अपने स्वयं की ठीक पहचान और संपूर्ण प्रत्यक्ष जगत में परमात्मा के उपलब्धि की भावना, भावना प्रधान व्यवहार और अनुभव प्रधान स्वयं का जीवन, इन दोनों को मिला करके हमारी आध्यात्मिक प्रगति तेजी से होगी।
तो इस मोहिनी प्रकृति से अपने आप को बचाने के लिए भगवान की कथा, कीर्तन, नाम स्मरण, गुणानुवाद, लीलाएं, इसमें अपने मन को लगा के रखना है। और इसीलिए श्रीमद् भागवत का यह अध्ययन बहुत मायने रखता है। श्री कृष्णा नारायणा गोविंदा। आज हम आठवां अध्याय प्रारंभ करेंगे। इस आठवें अध्याय में भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं। सातवें अध्याय में हमने देखा प्रहलाद जी ने स्टडी ग्रुप कंडक्ट किया था और उस स्टडी ग्रुप में बताया कि क्या क्या जीवन का प्रयोजन है, अपने स्वरूप को पहचानना ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो अनेक साधना के पंथ है उसमें भगवान की भक्ति सर्वोत्तम है, सर्व के लिए है और सभी समय में स्वाभाविक है। ऐसा बताने के बाद ये बात उन षंड और अमरक, उनके जो दो गुरुजन थे शुक्राचार्य जी के पुत्र, उनको पता चली। इसके साथ आठवां अध्याय शुरू होता है। नारद उवाच, अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहु निरवद्यत्वा नैव गुर्वनो शिक्षितम्। ऐसी जब बातें उन असुर बालकों ने सीखी प्रहलाद जी से, नारद जी बता रहे युधिष्ठिर जी को, तो उन्होंने, उनके आचार्यों ने जो जो उनको पढ़ाया था उस सब के प्रति वो एकदम उदासीन हो गए और प्रहलाद जी ने जो उनको बताया उसी के ओर वो अपना ध्यान देने लग गए। और जब ये बात षंड और अमरक इन दोनों को पता चली कि प्रहलाद के साथ साथ बाकी सभी बालकों की बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो चुकी है, अब उनको, उन्होंने जो धर्म, अर्थ, काम, नीति, राज्य इत्यादि के बारे में जो शिक्षा दी थी उससे बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं है, तो वे बहुत घबरा गए और जाकर के हिरण्यकश्यप को बता दिया, आपका लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है और वो तो नहीं, उसने बाकी सबको भी बिगाड़ डाला है। जब ये बातें जब सुनी हिरण्यकश्यप में तो उनको बड़ा गुस्सा आया और उसने सोचा कि अब तो मुझे ही इस प्रहलाद को मारना चाहिए। ये होने के पश्चात प्रहलाद जी वहीं खड़े थे, अपने गुरु के साथ अपने पिताजी के पास गए थे, उनकी कंप्लेन हो रही थी लेकिन वो एकदम अत्यंत शांत थे। क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रहलाद मदहरणम् आहि क्षमाण पापेन तिरश्चिनेन चक्षुषा प्रश्रया वरंतं दांतं बद्धांजलिमवस्थितं सर्प पदाहतैव श्वसन प्रकृति दारुणः। इतने उनके ऊपर में गुस्सा क्रोध हो रहे थे लेकिन प्रहलाद जी प्रश्रया वनदम दांतम बद्धांजलि, उन्होंने हाथ जोड़ करके शांत भाव से वो वहां खड़े हुए थे और किसी भी प्रकार से उन्होंने उद्वेग नहीं दिखाया। लेकिन हिरण्यकश्यपु इतना गुस्सा हो गया जैसे किसी सांप को पैर से टुकराया जाए उस प्रकार से। और फिर उसने कहा कि हे दुर्विनित मंदात्म मत कुल भेद कारकम, मेरे कुल का नाश करने में तुले हुए हे मेरे पुत्र, तुमने स्वयं तो अपने को बिगाड़ा है और बाकी भी लोगों को बिगाड़ रहे हो, अब मैं तुमको मार करके यमराज के यहां भेज करके इसका फल चखाऊंगा। और फिर वो कहते हैं, क्रुद्धस्य यस्य कंपते त्रयो लोका सहेश्वरः
तस्य मे अभीतवन मूढ़ शासनम किम बलोनो त्यगा। हे मूर्ख, मेरे क्रोध के कारण तीनों लोग कांपते हैं, उनके लोकपालों के सहित, और मैं इतना गुस्सा कर रहा हूं तुम पर और तुम इतने शांत हो। किसके बल पर तुमने ये शक्ति प्राप्त की है कि दुनिया पूरे तीन लोग कांप जाते हैं, ये तुम कैसे शांत हो? इसके उत्तर में प्रह्लाद जी जो बताते हैं, ये इस सातवें स्कंध का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और ये श्लोक हम सबके लिए हृदय में उतारना आवश्यक है। इसी श्लोक का अनुवाद हमारे संत तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी के मुख से रावण के सामने कहलवाया। उसी प्रकार से अंगद जी जब गए थे तो अंगद जी ने भी इसी प्रकार के वचन वहां कहे, तो उनका मूल यहां है। कहते हैं, न केवलम मे भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरे मे स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीताहा। कहते कि हे महाराज, केवल नहीं मेरा, न केवलम मे भवतश्च राजन, केवल मेरी ही शक्ति नहीं, वो मेरी भी है, आपकी है, और इस जगत में जो छोटे से छोटा लेकर के बड़े से बड़े वस्तु व्यक्ति है, उन सभी को जिसने अपने वश में कर लिखा है, वही एक ही परमात्मा सभी के शक्तियों का मूल स्थान है। देखो, जहां व्यक्ति अपने बल को स्वयं का समझता है, तब उस बल का वो दुरुपयोग करता है, और जब वही बल परमात्मा का हम स्वीकार करेंगे तो उस बल के द्वारा हमारा दुरुपयोग नहीं होगा। उदाहरण ले लो, जैसे अपने यह जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं, उनको जो बल मिला है उस कुर्सी पर बैठने का, वो बल मिला है अपने देश के सभी नागरिकों ने उनको अपना वोट दिया है। इसलिए उनका अपना बल क्या है? कुछ भी नहीं। जहां कुर्सी से नीचे उतर गए तो एकदम भटकते रहेंगे रास्ते पर। लेकिन वो जब हम बात भूल जाते हैं और ये कल्पना करते हैं कि यह मेरी शक्ति है, तो उसके द्वारा मनुष्य स्वार्थ से प्रेरित होकर के अपना भी सत्यानाश करता है, दुनिया का भी करता है, देश का भी करता है। और वही बात यदि हम याद रखें कि यदि मैं आज इस स्थिति पर हूं तो ये सभी जनता के कारण हूं, अपने कारण नहीं हूं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ की भावना कभी नहीं आएगी। यही बात है, यहां बताते हैं, जो हम सब में जो भी थोड़ी बहुत शक्ति है, किसी को लिखने की है, किसी को बोलने की है, किसी को गाने की है, किसी को काम करने की है, किसी को सोने की है, सभी की सभी उसी एक परमात्मा की शक्ति है। लेकिन हमको ऐसे लगता है कि हम बड़े तीस मार्खा है। और आगे कहते हैं, हाँ, स ईश्वर काल उरु क्रमोसौ ओजस्सह सत्व बलेन्द्रियात्मा स एव विश्वम परमस्व शक्ति भी सृजति अवति अति गुणत्रयेशः। वही परमात्मा सबसे शक्तिमान, वो अपने काल के शक्ति के रूप में सभी प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य, इंद्रिय, सभी कुछ वही है, और वही परमात्मा अपने इन शक्तियों के द्वारा सृजति अवति अति निर्माण, स्थिति और लय करता है, क्योंकि वही गुणत्रयेशः, वही तीन गुणों का स्वामी है। इसीलिए अब वो अपने पिताजी को कहते हैं कि जय्यासुरम भावमिवम त्वमात्मनः समम मनोधस्वन संति विद्विषः रुते अजितात्मनः उत्थपत्थितान तद्धीयनन्तस्य महत्समर्हणम्। कहते कि पिताजी, अपने इस असुर भाव को त्याग दो। असुर भाव को त्यागने के बाद जो सबसे बड़ी भगवान की सेवा है, जो सबसे बड़ी भगवान की पूजा है, जो सबसे बड़ा भगवान के प्रति समर्पण है, वो है
अपने अंतकरण में सबके प्रति समानता की भावना नित्य निरंतर रहनी चाहिए। देखो, समान अंतकरण को चैतन्य कहते हैं, विषम अंतकरण को मन कहते हैं। तो जितना हमारा अंतकरण समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, जिस ज्ञान में विषमता का विष मिला दिया, उस ज्ञान को कहते हैं मन। और जिस मन से ये विषमता का विष निकाल दिया, वही समत्व से युक्त अंतकरण को शुद्ध चैतन्य कहते हैं। जो हम में जो भेद नजर आता है ना अपने ज्ञान में, उस भेद का कारण है मन। और सब में जो एकता है, उस एकता का कारण है चैतन्य। और जब यहां हमारा मन एनफोल्ड हो गया, बंद हो गया, जैसे सुषुप्ति अवस्था में जहां मन हमारा बंद हो जाता है, वहां हम सबके साथ एक हो जाते हैं। और इसीलिए जहां हमने अपने आप को सबके साथ मिला लिया, वही जीवन की शांति है, परिपूर्णता है। जितना हम अपने आप को अलग अलग करके रखे, कभी भी जीवन में शांति, प्रसन्नता, कृतकृत्यता नहीं आएगी। इसीलिए हे राजन, जहि आसुरम इमं भावम त्वम आत्मनः, तुम अपने हृदय से यह आसुरी भाव जो है उसको छोड़ दो, और सबके प्रति समम मनोधस्व न संति विद्विषः, सबके प्रति अपने मन में समानता ले आइएगा। और ये मन जो हमको गलत रास्ते पर ले जाता है, जब हमारे वश में नहीं होता, तो किसी के प्रति शत्रुत्व की, द्वेष की भावना न रखे। और तद ही अनंतस्य महत समर्हणम, यही भगवान की सबसे श्रेष्ठ पूजा है कि सबके प्रति समानता का प्रेम हो। कोई अपना करके उससे ज्यादा प्रेम, और कोई अपना नहीं है कह के उससे द्वेष करना, यह भक्त का लक्षण नहीं है। ये होने के पश्चात कहते हैं, दस्युन पुरा षण विजित्य लुम्पतो मन्यन्त एके स्वजितादिशो दशः जितात्मनोज्ञस्य समस्य देहिनाम साधो स्वमोह प्रभवा कुतः परे। कोई ये कल्पना करे कि हमने अपने इंद्रियों को, मन को तो नियंत्रण में नहीं रखेंगे, लेकिन हम पूरे चार दसों दिशा को हम जीत लेंगे, तो ये असंभव है। अपने जीवन में असली विजय वही है कि जब हमने अपने इंद्रिय, अपने मन, अपने बुद्धि, इनको नियंत्रण में रखा है। देखो, प्रकृति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रारंभ होता है अपने मन के विकारों से। यदि हमने अपने मन के विकारों को अपने नियंत्रण में रखा, तब जाकर के हमने इस संपूर्ण प्रकृति को नियंत्रण में लाना प्रारंभ किया है। जिसका अपना मन अपने नियंत्रण में रही है, उसके जीवन में प्रकृति उसको कभी साथ नहीं देती। एक बार एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे और बहुत सारा धूप था, समुद्र के किनारे घूम रहे थे, तो उनके एक शिष्य कहे कि महाराज, मैं आपके लिए छाता लेके आया हूं। बोले, कोई जरूरत नहीं छाते की, प्रभु की इच्छा होगी तो छाया हो जाएगी। देखो कितना मन समत्व में स्थित है। तो जैसे वो वहां चलने लगे, तो अपने आप बादल आ गया, और जब तक के वो वहां एक घंटे तक घूमते रहे, तब तक के बादल ने उतने एरिया में अपने आप छाया कर दी। यह जो बाहर की प्रकृति पर जो नियंत्रण है, ये आता है तब जब हमारे मन पर नियंत्रण है। और मन के नियंत्रण को कहते हैं समत्वम योग उच्चते। इसीलिए जितनी भी हम साधना की बात करते हैं ना, तो यहां ध्यान रखें, जिसको हम आपको भिन्न शब्दों में बताते हैं कि मन को शांत रखो। शांत मन में ही समत्व होता है। मन को प्रसन्न रखो। जो मन प्रसन्न है, वो कभी भी विषमता की भावना नहीं कर सकता। इस प्रकार से इन्होंने कहा। जब ये बात हिरण्यकश्यपु ने सुनी, तो हिरण्यकश्यपु को बड़ा गुस्सा आया। त्यक्त्वम त्वम मर्दुकामोसि
योति मात्रं विकथसे मुमूर्षूणाम ही मंदात्मन ननु शुभ विप्लवा गिरहा। हे मूर्ख, हे मंदबुद्धि, और तुम ये जो बात कर रहे हैं ना उल्टी सीधी, इसका कारण यही है कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो गए हो। क्योंकि जब आदमी की मौत उसके पास आती है तो उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। और तुमने जो कहा यस्त्वया मंद भोक्तो भोग्योक्तो, हे मंदभागी, तुमने जो उक्त जो कहा, मदन्यो जगदीश्वरः, मेरे से छोड़कर के कोई भगवान है जगत में? और क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मान स्तंभे न दृश्यते, यदि तुम्हारा ये भगवान सब जगह है, सब जगह है, तो क्या इस खंभे में नहीं है? क्या क्या है इसमें? तो उन्होंने प्रहलाद जी ने हाँ कहा होगा। तो सोहम विकथ्यमानस्य शिरहा काया धरामिते, अब मैं देखता हूँ तुम्हारा सर, मैं तुम्हारी धड़ से अलग करता हूँ, देखते हैं तुम्हारा ये खंभे में रहने वाला भगवान कैसा आकर के तुम्हारी रक्षा करता है। ऐसा करके बहुत गुस्सा करके वो एकदम कूद पड़ा, और कूद पड़ने के बाद उन्हें उसने बड़े जोर से उस खंभे को गुस्सा मारा। कोई जरूरत, खंभे को बड़ा जोर से डुसा मारा, क्योंकि तुम्हारा भगवान सब में है तो खंभे में है। उसने ये विचार नहीं किया, देखो मनुष्य की बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती है तो अर्थ का अनर्थ निकालते हैं। एक उदाहरण दो आपको, एक लड़के का हमने आपको शायद दिया होगा पहले, अपने माँ के साथ मंदिर में गया और हमारा सत्संग होने के पश्चात वो हमको कहता है, स्वामी जी हमारी माँ को समझाओ, आप लोग तो कहते हैं भगवान सब जगह है तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, इसीलिए मंदिर में मत जाओ। हमने कहा भाई आपने तो बहुत समझ लिखा है, आप तो पढ़े लिखे हो, माँ तो अज्ञानी है, लेकिन मुझे ये बताओ जिन्हें भगवान सब जगह है तो क्या मंदिर में नहीं है? देखो विचार करने की कैसी गलत धारा होती है। तो यदि वो भगवान मंदिर में है तो वहां भी जाना चाहिए, और वहां जाने से तुम्हारी माँ को यदि खुशी होती है तो तुम अपने माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जब उन्होंने कहा प्रहलाद जी ने कि सभी स्थानों में काल में तुम्हारा भी बल परमात्मा का है, फिर भी उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा क्या खंभे में है, उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा भगवान क्या मेरे हृदय में है। यदि वो ऐसा कहता उसी समय उसका उद्धार हो जाता। इसीलिए उसने जाकर के दुर्बुद्धि के कारण, विपरीत बुद्धि के कारण उस खंभे को बड़ा घुसा मारा, और उसी समय तदैव तस्मिन् निनदो अतिभीषणः बभूव येनांड कटाहम स्फुटत। उस समय जैसे ब्रह्मांड टूटने की भयानक जोर से आवाज हुई, और इतनी जोर से आवाज हुई कि चारों तरफ जैसे मानो प्रलय हो रहा हो। और उस समय हिरण्यकश्यपु जब प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़ा तो उस भयानक शब्द और भीषणता के कारण वो कुछ कर ही नहीं पाया, एकदम घबरा सा गया। और जब भगवान नरसिंह वहां पैदा हुए तो उस समय चारों तरफ एकदम बहुत दिव्य प्रकाश, और उस प्रकाश के सामने हिरण्यकश्यपु की आंखें एकदम जैसे बंद सी हो गई। और फिर जब उसने देखा भगवान को तो भगवान का रूप कैसे था, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। उसी सभा में उस खंभे में से जो अद्भुत दिव्य निकला रूप, वो ना तो मनुष्य था ना तो प्राणी था। इस प्रकार से जब हिरण्यकश्यपु में उनको देखा कि यह कौन सा विचित्र जीव है, ना तो ये मनुष्य है पूरा, ना तो ये कोई जंगली जानवर है, इस प्रकार से वो विचार ही कर रहा था। तो उसी समय भगवान ने जा करके, फिर भगवान का वर्णन आता है किस प्रकार से भगवान का दिव्य रूप था, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत तीखी प्रकार की उनकी जिह्वा, और बड़ा उनका नाक, और उनके जो सिंह का जो रूप था इसीलिए उनके बड़े बड़े बाल, विकराल दाढ़े थी, और उनकी भौहें ऊपर नीचे उठ रही थी, मुंह एकदम बहुत खुला हुआ था मानो बहुत बड़ी पहाड़ की गुफा हो। और इस प्रकार से उनका जो दिव्य रूप था, हजारों उनके हाथ थे। अब ऐसा जब रूप देखा तो हिरण्यकश्यपु गदा लेकर के नरसिंह भगवान पर टूट पड़े, और जब टूट पड़े तो उनके सामने उनको टिकना तो था ही नहीं, फिर भी भगवान ने उसके साथ खेला थोड़े समय तक, और ऐसा किया कि मानो वो हाथ से छूट गया।
तो उसको लगा कि देखो मैं इनसे भी जीत गया हूं, और उसको जोश आ गया। जोश आने के बाद फिर उसने हाथ में आयुध लिए और फिर भगवान पर टूट पड़ा। और जब इस प्रकार से हो रहा था तो थोड़े समय के लिए भगवान उसके खेल रहे थे। यहाँ उदाहरण उन्होंने दिया है, जैसे सांप एक चूहे को खा जाता है, उस प्रकार से भगवान ने उसके हाथ इत्यादि को पकड़ लिया और फिर उसको अपने जांघों पर रखा। कहते हैं द्वापूर्य आपात्य ददार लीलया नखैर यथा ही गरुड़ो महाविषम। उन्होंने जिस प्रकार से एक गरुड़ अपने नखों के द्वारा सांप के पेट को फाड़ डालता है, उसी प्रकार से भगवान ने उसको अपने जांघों पर रखा और खेल खेल में अपने नखों से उसके उदर को फाड़ दिया। और उस समय भगवान का जो अत्यंत क्रोधपूर्ण रूप था उसको देख करके सभी लोग घबरा रहे थे। और फिर भगवान से यह जो दिव्य और भयानक रूप था उसका वर्णन बड़ा जोर से आता है। और उसको सबको देखने के बाद उनका भगवान नरसिंह का क्रोध बहुत ही बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उन्होंने उसको मारने के लिए ही अवतार लिया था। और जब ऐसा उनका क्रोध चल हो रहा था तो उन्होंने उस हिरण्यकश्यप के देह को वहीं पटक दिया और फिर जा करके वो सिंहासन पर बैठ गए। और सिंहासन पर बैठने के बाद चारों तरफ देख रहे थे, पूरा उनका चेहरा क्रोध से पूरा भरा हुआ था और सभी लोग वहां बड़े डर रहे थे कि अब इनको कैसे जा करके बोले क्या करें। लेकिन जो देवता लोग अत्यंत स्वार्थी है, उन्होंने देखा हिरण्यकश्यप मार दिया तो सभी इकट्ठे हो गए, ऊपर से फूलों की वर्षा करने लग गए। और उसके पश्चात सभी बाकी जितने जितने भिन्न जीव है, कौन से भिन्न जीव है इसकी लिस्ट हम आपको बताते हैं। ब्रह्मा जी, रुद्र, इंद्र, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, नाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, चारण, यक्ष, किम पुरुष, वैतालिक, किन्नर और भागवत के भगवान के पार्षद, इन सभी भिन्न भिन्न जीवों ने उस भगवान नरसिंह की बड़ी स्तुति करी। और इन सभी स्तुतियों में एक बात आपको समझ में आएगी कि उस स्तुतियों में एक ही बात है कि हरेक ने अपने अपने दृष्टि से भगवान को नमस्कार किया है और उनका वर्णन किया है। तो ये होने के पश्चात यहाँ हमारा आठवां अध्याय पूरा होता है और फिर नौवें अध्याय में कथा प्रारंभ होती है, जिसमें प्रह्लाद जी की स्तुति अत्यंत सुंदर है। नारद जी कथा जारी रखते हैं युधिष्ठिर जी को कहने के लिए, ये मत भूलना कहां से नारद जी टपके, जो ओपन द अर्लियर विंडो और फिर पता चलेगा उस विंडो में क्या रखा हुआ था। इसीलिए जो विंडो फिलॉसफी है ना, ये हमारे भागवत से चुराई हुई है, भले उनका नाम गेट हो लेकिन है विंडो ही खोलने वाले। अच्छा, अथ नवमोध्याय नारद उवाच। अब नारद जी महाराज कहते हैं एवं सुरादय सर्वे ब्रह्म रुद्र पुरस्सराः नोपयतुम अशकमन्युः आरम्भ्यम सुदुरासदम। इस प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर जी, सभी देवगणों ने भगवान के नृसिंह के उस क्रोध को शांत नहीं कर सके। तब उन्होंने सोचा साक्षात श्री प्रेषितादि वै दृष्ट्वा तद महदद्भुतम। इन देवताओं ने इत्यादि लोगों ने भगवान की स्तुति किस लिए की, इसलिए की ताकि वो शांत हो जाए। ये बात बच्चे भी जानते हैं, जब मम्मी डैडी गुस्से में होते तो कुछ थोड़ी बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे कि मम्मी तुमने कल जो खाना बनाया था ना बहुत अच्छा बनाया था, धीरे धीरे थोड़ी स्तुति सुन लो तो शांत हो जाते। वही टेक्निक इन देवताओं ने नरसिंह भगवान के साथ करी, लेकिन नरसिंह भगवान एकदम वैसे के वैसे क्रोध से परिपूर्ण थे। जब देखा इनको तो शांत होने का कोई मौका ही दिखता नहीं, फिर सोचा कि लक्ष्मी जी को भेज दिया जाए, जब पत्नी चली जाएगी पति के पास तो वो शांत हो जाएंगे, लेकिन उनको क्या मालूम पति के आने से क्रोध भी आता है। नारायण, तो साक्षात श्री प्रेषित आदि वही ही सभी देवताओं ने साक्षात लक्ष्मी जी को उनके पास भेजा। और दृष्ट्वा तद महद अद्भुतम अदृष्ट अश्रुत पूर्वत्वात् सा न उपायाय शंकिता। उन्होंने जब ऐसा विचित्र अदृष्टपूर्ण जो रूप देखा और उसको देख करके वो भी घबरा गई, फिर उसने सोचा
इस महात्मा को शांत करना अपने बस की बात नहीं है। उसके बाद प्रह्लादम प्रेषयामास ब्रह्मा वस्थित अंतिके तात प्रशमये उपेहि स्वपित्रे कुवितम प्रभुम। प्रह्लाद बेटा तुम चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे ही पिताजी को मारने के लिए भगवान क्रोध को प्राप्त हुए, तो ये तो आपके रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि आप जाकर के उनको शांत करो। जब ऐसा कहा तो भगवान कहे कि ठीक है, हमारे प्रह्लाद महाराज कहते हैं कि ठीक है जो आज्ञा, और आज्ञा लेकर के उन्होंने हाथ जोड़े और जाकर के साष्टांग पृथ्वी पर लोड करके उन्होंने नमस्कार किया। तथेति शनकैहि राजन, हे राजन, उन्होंने, यह राजन का अर्थ है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को नारद जी बता रहे कि हे राजन युधिष्ठिर, उसी समय प्रह्लाद जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मान ली और वहां जाकर के साष्टांग दंडवत उनको किया। जब ऐसा हुआ तो उत्थाप्य तत्शीर्ष्ण्य दधात कराम मुजम, भगवान नरसिंह ने अपने हाथ को उनके सर के ऊपर रखा और आशीर्वाद दिया, अभयदान दिया, और उसके पश्चात उन्होंने, जैसे भगवान का ये करस्पर्श का साक्षात्कार हो गया, उसको अपने हृदय में कर लिया, और फिर उनके हृदय आंखों से बहुत प्रेम के आनंद के अश्रु निकलने लगे, और उस समय मानो वो समाधि में चले गए, और उस एकाग्र चित्त से भगवान का स्पर्श होने के कारण उनकी मानो वाणी जागृत हो गई, और फिर प्रह्लाद जी ने भगवान की स्तुति करी। यह स्तुति बहुत लंबी है और इसमें जो मूल मूल बातें हैं वो हमको शॉर्ट में बताएंगे। पूरी आप लोग घर में होमवर्क कर लेना, एक हाथ पढ़ना चाहिए। प्रह्लाद वाच, कहते हैं कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहैहि नाराधितुं पुरुगुणैहि अधुनापि पिप्रुहु किं तोष्टुं अर्हसि समे हरि रुग्रजाते। हे उग्रजाते, हे भयानक भगवान के रूप, हे नरसिंह भगवान, बड़े बड़े जो सत्वगुण में स्थित ब्रह्मादि अनेक प्रकार के मुनि और अनेक प्रकार के देवता हैं, उन्होंने आपकी आराधना करी, स्तुति करी, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हो पाए, तो मैं तो एक बालक हूँ और असुर कुल में उत्पन्न हो गया हूँ, तो मेरे स्तुति के द्वारा आप किस प्रकार से प्रसन्न हो जाएंगे मुझे समझ में नहीं आता। फिर भी मैं एक बात जानता हूँ, और ये बात हम सबको जाननी चाहिए, मन ने धनाभिजन रूप तपश्रुतो जो तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाः नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवन् गजयूथ पाय। यहाँ बड़े सुंदर शब्द कहते हैं प्रह्लाद जी कि मैं तो ये समझता हूँ, मन ने, मैं ये समझता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में धन कुलीनता रूप तप विद्या ओज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि और योग, ये सभी के सभी गुण भगवान को तुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से भगवान तुरंत तुष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार से गजेंद्र पर भगवान तुष्ट हो गए थे। गजेंद्र की कथा आएगी तब देखेंगे, तो उसमें गजेंद्र एक केवल हाथी था, उसने जब ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया तो उस समय भगवान का स्मरण करके उसी स्थान में से उन्होंने एक कमल भगवान को वैसे ही आकाश में अर्पण किया तो उनका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से जीवन में महत्व की बात है भक्ति और प्रेम। और उसके बाद दूसरी महत्व की बात बताते हैं दसवें श्लोक में, विप्रा द्विषण गुण युतार विंदनाभ पादार विंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ने तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तु भूरिमानः। हम तो ये समझते हैं कि ये जो 12 गुण है जो ऊपर बताए हैं, इन से युक्त ब्राह्मण भी भगवान के प्रति भक्ति न करता हो और उसमें सभी के सभी गुण हो तो भी ये व्यर्थ है। और यदि कोई व्यक्ति में एक भी गुण नहीं हो और वो स्वपच माने चांडाल कुल में उत्पन्न हो गया हो, लेकिन यदि उसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है तो हम सोचते हैं कि वो सबसे आदरणीय है। देखो, मनुष्य के जीवन में यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र
अनेक प्रकार के कुलों की या अपने कर्मों की महत्ता जो है, इसके कारण हम और अहंकार को बढ़ाते हैं। इसीलिए इसका प्रयोजन अपने आप को नियंत्रण में करने के लिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन इन गुणों के द्वारा यदि हमारा अहंकार और बढ़ जाता है तो फिर वो बात गलत है। इसलिए कि जो व्यक्ति अपने हृदय में भक्ति ले आता है वही भगवान को प्रसन्न करने में आवश्यक है, बाकी किसी भी प्रकार से नहीं। उतना होने के पश्चात फिर ये भगवान के भक्ति की महिमा उन्होंने अपने पहले स्तुति के भाग में गाई। उसके बाद कहते हैं कि भगवान जब कोई व्यक्ति उनको भक्ति से पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति, क्या देर है इसका मतलब नहीं। अब महात्मा लोग ऐसे है ना कि इस पत्रम पुष्पम फलम तो यो का अर्थ अपने अपने मर्जी से निकाल लेते हैं। उसका कहने का मूल तात्पर्य यही है, माने कुछ भी दे दो, लेकिन पत्रम माने सौ का पत्ता, उसका भी अर्थ पत्र भी निकलता है नारायण, वो उसका अर्थ नहीं है। तो कुछ भी छोटी भी चीज दे दो, क्या दे रहे ये महत्व का नहीं है, किस भावना से दे रहे वो भावना महत्व की है। इस प्रकार से जब हम किसी भी प्रकार से भगवान की स्तुति इत्यादि करना चाहते हैं फिर भी वो नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि भगवान तो हमारे बुद्धि मन और इंद्रिय के विषय है ही नहीं। आगे चलते हैं, 13वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मादयो वयमिवेश जो चोद्विजन्तः क्षेमाय सर्वे हमी विधिकरास्तव सत्वधाम्नो क्षेमाय भूतये उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः। आप तो सत्वगुण के आश्रय है और जितने भी बड़े बड़े देवता हैं ब्रह्मादि इत्यादि, वो तो सबके आप आज्ञाकारी भक्त हैं और आप ही अपने जगत के और जीवों का उद्धार करने के लिए अनेक प्रकार की लीला करने के लिए अवतार लेते हैं। ध्यान से सुनना, भगवान को ये सब करने का क्या शौक है। इसलिए कि जीवन में जब अच्छाई होती है तो विविधता होती है। जैसे अपने भारतीय खाने की ले लो बात, कि एक ही घर में रोज खाना बनता हो लेकिन कितनी विविधता है, कभी नमक ज्यादा कभी मिर्ची ज्यादा, नहीं तो पाश्चात्य देशों में जाकर के देखो, कहीं भी चले जाओ वही पिज्जा है, वही हॉट डॉग और वही कोल्ड डॉग, उसमें टेस्ट में कोई फर्क ही नहीं है, मशीन से निकल रहा फटाफट फटाफट, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने सोचा क्या ये भक्तों के जीवन में वही वही भगवान सच्चिदानंद है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, चुप हो जाओ, कोई मजा आया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने अनेक लीलाएं करी और जितना उनके लीलाओं का वर्णन करेंगे उसमें खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे और क्या, यही तो अपने जीवन का आनंद है महाराज। इसीलिए जो थिरकता वेदांत है उसको कहते हैं भक्ति, और जो सूखा वेदांत है वो अपने घटाकाश मठाकाश फटाकाश उसी में फटकते रहेंगे। इसीलिए भगवान लीला करते हैं ताकि उनके भक्तों को उनके चरित्र सुनना गाना इत्यादि उसमें आनंद आता है। और बताते हैं कि तद यच्छ मन्युः असुरश्च हतस्त्वम याद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, जैसे सांप को या सर्प को मारने से लोग खुश होते हैं उसी प्रकार से जिस असुर को मारने के लिए आपने अवतार लिया उसको मार दिया है तो सभी लोग खुश हो गए और आप तो अब आपका तो काम हो चुका है, इसीलिए आप अब शांत हो जाइए, क्योंकि सभी के सभी लोग आपके इस शांत दर्शन की रूपम नृसिंह विभयाय जना स्मरंती। अब आपका ये जो रूप है उसको शांत करिए और जिसके जिसके मन में भय आएगा उसने इस भगवान के इस रूप का यदि ध्यान करे तो उसके हृदय से भय निकल जाता है। दो बातें हम आपको बताएंगे, हमने साधु संतों से सीखी है। यदि अपने मन में कामना का प्रभाव आता है, काम वासना जागृत होती है, और यदि उससे हमको जीतना है, सवाल इस बात का है हमको जीतना है कि नहीं जीतना है,
यदि हमको अपने काम वासना को जीतना है तो उसके लिए शिवजी के रुद्र रूप का जप करने की बात संत लोग बताते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। जितना हम इस मंत्र का जप करेंगे उतनी हमारे अंतकरण में रहने वाली जो काम वासना है वो शांत होने में हमको आत्मबल प्राप्त होता है। समझो 25 बार फेल हो गए, 26वें बार सफल हो जाएंगे, लेकिन इस मंत्र का जप करने से हम अपने मन की काम वासना को जला देते हैं, क्योंकि भगवान शिव जी काम के शत्रु थे, कामारी थे। उन्होंने कामदेव को, जो रति के पति थे, उनको जलाया था। उसके बाद जब हमारे हृदय में भय आता है तो उस भय से निवृत्त होने के लिए हमको आत्मबल चाहिए। जैसे अभी अपने गुजरात में जो भूकंप हुआ तो उसमें लोग जितने दुखी भूकंप के कारण नहीं हुए उतने दुखी अब भय के कारण हो रहे। भय हृदय में रख करके मनुष्य के जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। उसका जीवन वैसा ही है, एक बिल्ली बैठी हुई हो और वहां एक चूहा हो और बिल्ली उसको मारती भी नहीं और खा भी नहीं जाती और छोड़ती भी नहीं, तो उस समय वो चूहे का जीवन कैसा है? उसी प्रकार से जिसके हृदय में भय है, डर है किसी भी चीज का लेकर के, चाहे पति का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे गुंडों का हो, चाहे रोग का हो, चाहे मृत्यु का हो, किसी भी चीज का हृदय में भय हो तो भय के साथ व्यक्ति कभी भी सुख से शांति से नहीं रह सकता। और भय का कारण क्या है? भय का कारण है आत्म बल का अभाव। इस आत्मबल को जागृत करने के लिए यहां प्रहलाद जी ने भगवान से आशीर्वाद मांगा कि हे भगवान, आपके इस रूप को जो भक्त अपने हृदय में धारण करेगा और आपके इस रूप का जो नाम स्मरण करेगा उसके हृदय से भय निकल जाएगा। और वो मंत्र कौन सा है? संत लोग बताते हैं, ओम नमो भगवते नरसिंहाय, ओम नमो भगवते नृसिंहाय, ओम नमो भगवते नृसिंहाय। जितना हम भगवान के इस नृसिंह रूप का धारणा करेंगे, ध्यान करेंगे, जप करेंगे नाम का, उतना हमारा आत्मबल जागृत हो जाएगा। और आत्मबल जागृत होने के बाद व्यक्ति डरपोक नहीं रहता, और जिसके हृदय में डर नहीं है वही खुल के हंस सकता है। जिसके हृदय में डर है वो अपना टिश्यू पेपर लगा करके हंसता, कुकु कुकु नारायण। अच्छा महाराज, फिर उन्होंने भगवान के उस दिव्य और भयानक रूप का वर्णन किया कि आपका ये जो रूप है अत्यंत भयावना है, आपकी जीभ कैसे लपलपा रही, आंखें सूर्य के समान है, भौंहें चढ़ी हुई है, और इसको सबको देख करके मैं भी डर गया हूं और ये संपूर्ण संसार भी डर गया है, और मैं तो कर्म बाश से बंधक होकर के इस जंतुओं के बीच में जैसे डाल दिया गया हूं, इसलिए आप प्रसन्न होइएगा और हम आपको मोक्ष स्वरूप से स्वीकार करते हैं, हमारे दूसरा है ही कौन। आज तक हम अनेक योनि में भटकते आए और भटकते आने के बाद भी हमारा दुख जीवन से कभी नष्ट नहीं हुआ, तो इसीलिए आप हमको ऐसा कोई साधन बताइए जिसके द्वारा हमारे हृदय में आपके प्रति भक्ति जागृत हो जाए। और जितना जितना हम आपके इस गुणों का, लीला का वर्णन करते हैं उतना उतना जगत के विषयों से अपने आप को उपरत रखते हैं। और यही बात हमको साधु संतों के संग से मिलती है, यही हमेशा मिलती रहे। और कहते हैं इस जगत में बालस्नेह शरणम पितरौ नृसिंह नार्तस्य चाद गदम उद्वदन्ति मज्जतौ नौः। इस जगत में हमारी रक्षा हमारे माँ बाप भी ठीक से नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। इस जगत में यदि अच्छी हमारी कोई रक्षा कर सके तो वो केवल परमात्मा ही है, और इसीलिए
हम आपके इस स्वरूप का ध्यान करते हैं कि आप हमको योग्य दिशा दीजिए, भक्ति दीजिए। उसके पश्चात या तो उनकी प्रार्थना हो गई भगवान से भक्ति मांगने की, तो इस प्रार्थना के दो रूप क्या हो गए, उन्होंने अपने को भगवान के सामने प्रकृति का किंकर मान करके इससे जीतने के लिए भगवान की भक्ति मांगी। सातवें अध्याय में भगवद गीता के भगवान कहते हैं, दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम धरन्ति ते। जो व्यक्ति मेरी इस दुरत्यया माया को जीतना चाहते हैं, उनको एक ही उपाय है, वो मेरी शरण में आ जाए। जब भगवान की शरण में जाएंगे तो उनकी माया हमको स्पर्श नहीं करेगी। ये रूप होने के बाद अब इस स्तुति में इस संसार चक्र का वर्णन करते हैं प्रह्लाद जी। माया मनस रुजति कर्म बलम बलि कर्ममयं बलि यहा कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसहा छंदोमयम यद जयार्पित षोडशारम संसार चक्रमज कोतिरेत त्वदन्यहा। यह जो 16 अरे वाला जो संसार का चक्र है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण और 1 अंतकरण, ये जो 16 अरे वाला जो चक्र है, यही हमारा अंतकरण ही संसार का चक्र है। जहां हमारा अंतकरण शांत हो गया, वहां हम चैतन्य के साथ एक हो गए, संसार वहीं से गायब। फिर वो अंतकरण जब जागृत हो जाता है, फिर जागृत स्वप्न सुषुप्ति इसके चक्र में फंसे रहते हैं। तो यह 16 अरे वाला जो चक्र है, यही संसार का चक्र है, और इसी के कारण हम अपने अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, कर्म के संस्कार होते हैं, कर्म के फल हो गए, और उनको भुगतने के लिए फिर स्थूल शरीर का निर्माण होगा, और इस प्रकार से हम इस जगत में भटकते रहते हैं। आगे बताते हैं, इसीलिए सभी साधु संत बताते हैं इस मनोरूपी संसार चक्र को हमको पार करना है, और ये हो सकता है केवल भगवान के भक्ति से, अपने प्रयत्न से नहीं। इसमें दो बातें समझ लो, भगवान के भक्ति का प्रसंग साधना करने के प्रारंभ में होना चाहिए और पूरी प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए अपने प्रयत्न के प्रबलता से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन ये करना जरूर चाहिए। और उसके पश्चात जब हमने पूरे प्रयत्न कर लिए अपने मन को नियंत्रण में लाने के लिए, उसके बाद फिर भगवान को पुकारो। तो अपने प्रयत्न कौन से है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। भगवान कहते छठवें अध्याय में, अभ्यास ही न तो कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते। तो हमारे जीवन में वैराग्य और अभ्यास, इन दोनों के द्वारा हम नियंत्रण में लाने का अभ्यास करें, लेकिन ये जरूर समझे मन नियंत्रण में आएगा केवल भगवान की कृपा से। और इसीलिए जितना हम भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे, उतना हमारा मन इस जगत में भटकना कम हो जाएगा। इतना होने के पश्चात आगे कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, इस संसार के चक्कर में हम सभी लोग बहुत बहुत भटक रहे हैं, और हम अब आपके शरण में आए हैं, आप हमको अपने पास खींच लीजिए। और जो लोग अनेक प्रकार के भोग के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, उसको मैंने बहुत देख लिया। मेरे पिताजी के पास ऐसी एक भी वस्तु नहीं थी कि जो नहीं थी, उनको संपूर्ण विश्व के सभी भोग थे। अब देखो, हम लोगों ने देखा हिरण्यकश्यपु का चरित्र, उनके पास क्या नहीं था। नारद जी जाकर के वहां तंबूरा बजा करके उनकी तारीफ करते थे, इतने प्रबल, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं थी। इसीलिए कहते हैं कि जगत के कितने भी धन दौलत भोग, अपने रिश्ते नाते कितने भी हो जाए, वो आपको जीवन में अखंड शांति कभी नहीं देंगे। इसीलिए इन सब चरित्र से हमको यही सीखना है। आजकल के लोग जो सोचते हैं ना, हम करोड़पति हैं, हमको छप्पर फाड़ के मिला है, हम तो डॉलर कमाते हैं, हम तो दिनार कमाते हैं, ये सब जो चीजें है ना, हिरण्यकश्यपु रावण, इनके सामने ये किस गली की खेत की मूली है। इतना होने के बाद भी उनके जीवन में शांति नहीं आएगी। इसीलिए
अपने जीवन में शांति, प्रेम, आनंद तभी आ सकता है जब इन सब का जो मूल स्रोत है परमात्मा, उसको हम पकड़ लें। उसके आगे जाकर के कहते हैं कि मैं इस प्रकार से जितनी आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग है, इसको सभी लोग चाहते हैं, लेकिन मैं उसको नहीं चाहता हूं, क्योंकि देखा है कि सभी के सभी शक्तिशाली लोग उसी के इसमें फंसे हुए हैं। मैं तो केवल आपके दासों की सन्निधि में जाना चाहता हूं, माने साधु संतों के संग में रहना चाहता हूं। उसके बाद आगे जाकर के कहते हैं कि हे भगवान, मेरे पिता ने तो बहुत अन्याय किया, और अन्याय करके दूसरा कोई ईश्वर ही नहीं है ऐसा कहके स्वयं को ही ईश्वर करते थे, कहते थे, और मुझे मारने के लिए भी तैयार थे। ऐसे मेरे पिता का आपने वध किया, तो मैं समझता हूं कि आप अपने भक्त जो सनक आदि है उनकी जो वचन थे उसके लिए आपने ये सब कुछ किया है। आगे जाकर के कथा आएगी फिर से कैसे सनक, सनातन इत्यादि इन्होंने भगवान के जो पार्षद थे जय विजय, उनको शाप दिया था कि 3 बार तुम असुर योनि में जाओगे। और उसका कारण क्या था? कारण यही था कि उनके मन में वैकुंठ में होने के बावजूद भी विषमता का बीज क्षण भर के लिए आ गया था। विषमता को ही कहते हैं नरक और समता को कहते हैं स्वर्ग। यदि वैकुंठ में रहते हुए भी जहां किसी भी प्रकार का द्वैत का दुर्गंध नहीं है, ऐसे स्थान में रहते हुए भी जब जय विजय ने इन सनक, सनातन इत्यादि 4 बाल ऋषियों को जब उन्होंने धुतकार दिया था, तब उनको शाप मिला था कि तुम इस स्थान में रहने के लायक नहीं हो, क्योंकि जिसके हृदय में विषमता आती है वह असुर है। तो ऐसे आप ही इस संपूर्ण जगत में एकमात्र है, और जितना हम इस जगत में हमारी उम्र होगी उतने तक हमको रहना है। आपकी ही माया से ये संपूर्ण सृष्टि चल रही है, आप ही जगत को निर्माण करके उसी में प्रवेश करते हैं और अनेक प्रकार के कार्य कारण के रूप में प्रतीत होते हैं। और यहाँ तो अपना पराया इत्यादि जो है ये सब माया ही माया है, असल में जन्म, स्थिति, लय, प्रकाश इस सभी का सभी आपका ही है। इसीलिए कार्य और कारण दोनों केवल आप मात्र है। आगे सृष्टि की प्रक्रिया बताते हैं। देखो ये जो स्तुति है प्रहलाद द्वारा भगवान की हुई, ये स्तुति का चिंतन करके हम परमात्मा के स्वरूप को पहचानते हैं। पहले उनका स्वरूप है वो भक्त के प्रेम में अपने आप को बेच देते हैं। दूसरा इसका स्वरूप है कि हम अपने सामर्थ्य को लेकर के ना चले, इसका अर्थ ये नहीं है प्रयत्न नहीं करना। उसके बाद यह संपूर्ण विश्व केवल भगवान की ही अभिव्यक्ति है, इसको समझे। और फिर यह जो सृष्टि की प्रक्रिया जो एक महत्व का विषय है शास्त्रों में, इसमें बताते हैं कि यह संपूर्ण सृष्टि केवल आपसे ही निकली है, और जब आप योग निद्रा में सो जाते हैं तब संपूर्ण सृष्टि आप में ही विलीन हो जाती है, और पहले आपके ही काल शक्ति से इस प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है, और फिर वहां जब आप शेष शैया पर शयन करते हैं तो उस समय वहां वट वृक्ष के बीज के समान आपके नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ, उसके ऊपर में ब्रह्मा जी पैदा हुए, और ब्रह्मा जी ना तो अपने को जान सके, ना तो जगत को, और ना किसी को, और ना समझ सके, इसीलिए 100 साल तक वो घूमते रहे क्या करना क्या नहीं करना। और फिर उन्होंने तपस्या करी, और जब उन्होंने तपस्या करी तब उनको भगवान के साक्षात्कार की क्षमता निर्माण हुई। ध्यान से सुनना, अपने जीवन में तपस्या अत्यंत महत्व की बात है। जिसके जीवन में तपस्या नहीं है वह व्यक्ति परमात्मा के दर्शन का अधिकारी नहीं है। तो तपस्या करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि साल में कम से कम 1 बार अकेले मियां बीबी साथ साथ नहीं, तो वहां भी जाकर के मेरा चाय कहां है, मेरा बनियन कहां है,
24 घंटे 12 महीनों यही तो किया है, और फिर भी वहां जाएंगे सत्संग के लिए कहीं साधु संतों के पास या कहीं तीर्थ क्षेत्र में, चलो दोनों हाँ वो ये उठा वो उठा, वहां होटल में जाना है, राम 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 राम। अपने इस व्यक्तित्व का त्याग करने के लिए साधना करनी है। इसीलिए पहली जो तपस्या है वो ये है कि जीवन में अकेला रहने का स्वयं होकर के अभ्यास करें, और उस अकेला रहने के अभ्यास में कम से कम साल में एक आध बार दो बार अकेले कहीं तीर्थ क्षेत्र में चले जाओ, वहां आपको अच्छे बुरे सभी प्रकार के अनुभव आएंगे। उन अच्छे बुरे अनुभवों के ऊपर उठना है, तब जाकर के पता लगता है कि भगवान पर हमारा समर्पण कितना है। जो व्यक्ति जगत में अकेला घूमने की हिम्मत नहीं रखता उसका भगवान पर विश्वास नहीं है। हमको हमेशा कोई ना कोई साथ में चाहिए, ताकि भगवान ना हो तो कोई ना वो है ना नारायण। तपस्या का एक ये रूप। दूसरा तपस्या का रूप, 24 घंटे जो हम घरों में संसार में रहते हैं इसको तपस्या के रूप में स्वीकार करो, तो आपको कष्ट निर्माण करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप पत्नी हो तो कष्ट निर्माण करने का कार्य पति आपके लिए बड़े सब हृदयता से करेंगे। यदि आप पति हो तो ये कार्य पत्नी आपके लिए करेगी। यदि आप माँ बाप हो तो बच्चे आपको इतने तपाएंगे पूछो मत। तो अपने जीवन को यदि तपस्यामय जीवन को ले लो तो वही साधना है। और तपस्या में क्या होता है, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रौ चुबुक समर्पित जानो। ऐसा होते हुए भी वो गर्मी के कारण चिल्लाते नहीं, देखो कितनी गर्मी है कितनी गर्मी है, नहीं गर्मी है चारों तरफ से अग्नि तप रहा है फिर भी शांत रहते, इसको तपस्या कहते हैं। तो आपके पास पत्नी गुस्से में हो तो भी शांत, ये तपस्या है। जितना आप इस तपस्या रूप से अपने संसार को जियो उतनी आपकी साधना आगे बढ़ेगी, क्योंकि बिना तपस्या के अंतकरण की शुद्धि नहीं होती। जैसे सुवर्ण को जब शुद्ध करना होता है तब उसको भट्टी से निकालते तब जाकर के वो शुद्ध होता है, उसी प्रकार से अपने अंतकरण की अशुद्धि क्या है, अपने अंतकरण की अशुद्धि है एक बात, दूसरे पर अवलंबन, व्यक्ति पर वस्तुओं पर। जगत की कोई भी वस्तु ऐसी ना हो कि जिसके लिए हम नाचे। आप लोग तो बंबई के रहने वाले हैं महाराज, आप लोगों में कोई कोई संत ऐसे होंगे रात को 10-11 बजे खाना खाने के बाद पेडर रोड से निकल करके कहां गया था एक बार मैं, वहां से निकल करके खार में रेलवे स्टेशन के पास पान खाने के लिए रात को 11:30-12 बजे। अब देखो कितनी हमारी परावलंबिता है हर चीज पर। तो जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी तब जाकर के उनको भगवान के दर्शन हुए। अब देखो वो तो है ब्रह्मा जी और हम है ब्रह्मा जी, तो क्या हमको तपस्या की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तपस्या होगी जीवन के साथ साथ। अब तीसरी तपस्या, ये तीसरी तपस्या सबसे श्रेष्ठ तपस्या है, और इस तपस्या का रूप हमारे भगवान रमण महर्षि ने दिया है। तपस्या त्यागात्मक होती है, जितना ज्यादा त्याग उतनी ज्यादा बड़ी तपस्या। सबसे ज्यादा त्याग किसका होता है, जो सबसे महत्व की वस्तु होती है, और हमारे सबके जीवन में सबसे महत्व की वस्तु कौन सी है, अपना अभिमान, मैं। जब मैं कहता हूं तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, इस अहम अपेतकम, जितना अपने अहंकार का त्याग होगा उतनी बड़ी तपस्या होगी। और देखो जिसके अहंकार का त्याग हो गया
वो इंसल्ट प्रूफ हो जाता है, जिसको छोटी छोटी बातों में मान अपमान इत्यादि आता है। एक बार मैंने किसी को कहा कि भाई मैं शादी में जा रहा हूं, चलो मेरे साथ। स्वामी जी आपका तो कहना ठीक है, लेकिन हम तो गृहस्थ हैं, फिर हमको तो पत्रिका नहीं दी और बुलाया भी नहीं, घर आकर के नहीं बताया, ऐसे ही बता देना ठीक है आप भी आ जाना, तो हम कैसे जाएंगे। हमने कहा देखो जब सन्यासी के साथ रहती हो तो कमंडलू बन जाओ। कमंडलू वो है कि जिसका मान अपमान नहीं होता, चाहे उसको भगवान के सामने रखो कमंडलू का स्थान वो है, चाहे उसको जूते के पास रखो उसका स्थान वो है। अपने जीवन में जो साधना करनी है वो अपने अहंकार के बलि देने की साधना है और यही तपस्या है। तो यह तीसरी तपस्या है, अहम अपेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमण वाग्यम, यही सबसे बड़ी तपस्या है। तो इस तपस्या करके फिर उन्होंने अपने अंतकरण को जीत लिया और फिर उनके अंतकरण में उनको अनुभव हुआ कि यह परमात्मा सभी अंतकरण में स्थान में इंद्रियों में ओतप्रोत है। ये होने के पश्चात फिर भगवान के ये जो अनेक रूप अवतार हुए उसमें से हयग्रीव अवतार की बात करते हैं कि भगवान के जो दो रजोगुण और तमोगुण के जो दो रूप थे मधु और कैटभ, ये दो नाम के बलवान दैत्य भगवान के कानों से पैदा हुए थे, तो उनको वो वेदों को लेकर के चले गए। तो वहां हयग्रीव अवतार लेकर के भगवान ने उनको मार दिया था और फिर ब्रह्मा जी को ये दो वेद थे वापस कर दिए थे। इस प्रकार से आपके इस सत्व गुण प्रधानता का वर्णन सभी लोग करते हैं और उसके पश्चात कहते हैं कि आप ही सभी की रक्षा सभी युगों में करते हो और कलयुग में आप तो ऐसे छिपके रहते हो कि सामने होने के बाद भी कलयुग के लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों? कि उनके अंतकरण अत्यंत तमोगुणी और रजोगुणी हो गए हैं। ये सत अपने कलयुग का विशेषता ये है कि यहाँ सत्व गुण का प्राधान्य नहीं है, यहाँ रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य है। तमोगुण का प्राधान्य माने भौतिकवाद, रजोगुण का प्राधान्य माने कर्मवाद। जब तक इन दो वादों में रहेंगे तब तक के भक्ति और भगवान के तत्व का चिंतन नहीं होता। उसके पश्चात कहते हैं कि हे भगवान, नैतद् मनस्तव कथासु वैकुंठनाथ संप्रियते दुरित दुष्ट मधास्तु तीव्रम कामातुरम हर्ष शोक भये क्षणार्थम तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि दीनः। हे भगवान, मेरा मन क्या बताऊं, अनेक प्रकार के पापों से कलुषित हो गया है और हमेशा कामनाओं के कारण आतुर रहता है। हर्ष शोक भय इत्यादि के द्वारा लोक परलोक धन पत्नी पुत्र इत्यादि की चिंताओं में व्याकुल रहता है, तो ऐसे मेरे मन को आपकी कथा में रस नहीं मिलता, इसीलिए मैं हमेशा दीन हीन रहता हूँ। तो मैं अपने ऐसे घटिया मन से आपका कैसे स्मरण करूँ, कैसा चिंतन करूँ। ये प्रहलाद जी ने हम सब लोगों के लिए कही है। आगे कहते हैं, जीव कतोच्युत विकर्षति माँ विरूपता शिष्णोन्यतस्त्व गुदरम श्रवणम कुदश्चित। हमारे दो इंद्रिय, इनको हमको जब तक हम जीत नहीं लेते तब तक के हमारी आध्यात्मिक साधना नहीं हो सकती। दो इंद्रिय कौन से है, हम हिंदी में पढ़ रहे जो लिखा है स्पष्ट रूप से, हे अच्युत, यह कभी न अघाने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जननेन्द्रिय सुंदरी स्त्री की ओर त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते रहते हैं। इसके सिवा कर्मेंद्रिया भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने की ओर मुझे लगाती रहती है। मेरी तो यह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां हो, वो अपने अपने शयन गृह में ले जाने के लिए चारों ओर से उसको घसीट रही हो। देखो
जब तक कि हम अपने इन इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं लाएंगे तब तक के हम बिल्कुल परवश होकर के उसी के पीछे दौड़ते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि जीव इस इंद्रियों के चक्कर में फंस करके अपने आप को दुखी बनाता है, यही वैतरणी नदी है और इसी के कारण जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म, और ये हमेशा कर्म भोग करते रहो, फिर कर्म करते रहो, हमेशा डरते रहो, अपना पराय का भेदभाव, उसी के साथ पूरा जीवन नष्ट हो रहा है। और इसीलिए हे भगवान, आप जो जो मूढ़ लोग हैं उनके लिए महापुरुषों के जो अनुग्रह पात्र होते हैं उनको तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हम लोगों को बड़ी चिंताएं, इसलिए आप हम पर कृपा करो। और उसके बाद इस माया से निकलने के लिए केवल आपके अनुग्रह के सिवा कुछ हो नहीं सकता। आगे बताते हैं, प्रायेण देव मुनया स्व विमुक्ति कामा मौनम चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठा नैवान हिता नैवान विहाय कृपणान विमुक्ष एको नान्यम त्वदस्य शरणम भ्रमतोनुपश्ये। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि है मुक्ति के लिए निर्जन वनों में चले जाते हैं, मौन धारण करते हैं, दूसरे की भलाई का प्रयत्न भी नहीं करते, लेकिन मेरी तो दशा ऐसी है कि मैं तो इन सभी लोगों को छोड़ करके केवल अकेला मुक्त नहीं होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस जगत का प्रत्येक प्राणी मुक्त हो जाए। और आगे बताते हैं किस प्रकार से, जन्मैथुनादि गृह में सुखम ही तुच्छम कंडूजनेन करयोरिव दुख सुख दुख दुखम तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुख भाजहा कंडूति वन मनिषजम विषहेद धीरहा। कंडू माने खुजली। ये जो इंद्रियां के भोग है वो कैसे है, तो उन्होंने कहा जब हमारे आंखों को खुजली होती है तब रूप रंग के दर्शन के लिए तरसते हैं, जब हमारे कानों को खुजली होती है तब अपने स्तुति को सुनने के लिए तरसते हैं, जब हमारे जिह्वा को खुजली होती है तब रसास्वादन करने के लिए तरसती है, जब हमारे चमड़ी को हमारे त्वचा को खुजली होती है तब सुकोमल सुकोमल स्पर्श के लिए तरसती है। इस प्रकार से जितने हमारे इंद्रिय भोग है वो केवल इंद्रियों को खुजली हुई है, और जो इस इंद्रिय की खुजली को शांत होकर के नहीं खुजलाता वही अपने आत्मबल को बढ़ाता है। आप लोग को सभी ध्यान करने वाले मुझे मालूम है, तो कभी कभी ध्यान के लिए बैठते होंगे, ऐसा होता होगा ना, बैठे और ऐसे लगता है कि नाक के ऊपर में कोई आके बैठा है, और फिर नहीं हम नहीं नहीं करेंगे नहीं करेंगे, फिर आत्म हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो मन के विकार है, इसीलिए आगे कहते हैं, हे पुरुषोत्तम मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध है। 46वें श्लोक में कहते हैं, मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म व्याख्या रहो जप समाधय आप्यवर्ग्याः प्राय परम पुरुषते त्विजितेन्द्रियाणां वार्ता भवत्यनुवात्रं तु दाम्भिकानां। ये जो 10 मोक्ष के मार्ग है, मौन ब्रह्मचर्य शास्त्र का श्रवण तपस्या स्वाध्याय स्वधर्म पालन युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या एकांत सेवन जप और समाधि, परंतु जिनकी इंद्रियां अपने वश में नहीं है वे तो केवल इन सब का अपने पेट भरने के लिए ही केवल उपयोग कर रहे हैं, इसके द्वारा उनके आध्यात्मिक जीवन में कोई भी प्रगति नहीं होती है, और जब उनका ये दंभ प्रकट हो जाता है तो फिर उनका ये सब बाहर निकल आता है। इसलिए दो बातें बताइए भगवान वेदों ने आपकी, एक तो कार्य के रूप में और कारण के रूप में, और कार्य कारण दोनों के रूप में केवल आप ही है, और जितना हम इस कार्य कारण में दोनों में आपको ढूंढते निकालेंगे उतना हम देखेंगे कि हम भी उस कार्य कारण से अलग नहीं है। यह जो पंचतन्मात्राए सभी इंद्रिय मन चित्त अहंकार इत्यादि सभी केवल आप ही आप है, और जो भी वाणी से कहा जाता नहीं कहा जाता ये केवल आपसे पृथक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ही सभी प्रकार की योनियां हैं मनुष्य देवता इत्यादि, और कोई भी व्यक्ति आपके इस स्वरूप को जानने के लिए समर्थ नहीं है, और इसीलिए
केवल एक ही हो सकता है, आपकी भक्ति करें। और इस भक्ति की 6 अंग है। एक तो है नमस्कार, तत्तेरहतम नमस्तुति कर्म पूजा कर्म श्रुति शरण यो शरणम कथायाम समसेवया त्वयि विनेति षडंगया किम भक्ति जन परम हंस गतौ लभेत। इन 6 अंगों के द्वारा आपकी भक्ति करें तो नमस्कार स्तुति समस्त कर्मों का समर्पण सेवा पूजा चरण कमलों का चिंतन और लीला कथा का श्रवण, इसके द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और यही अपने स्वरूप को पहचानने की भगवान की प्राप्ति का सरल सरल मार्ग है। ये इतना होने के बाद अब नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर जी को कि एतावत् वर्णितो गुणो वर्णित गुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणितं प्रीतो यदमन्यु अर्वाशत। नारद जी कहते हैं इस प्रकार प्रह्लाद जी ने बहुत सुंदर ही प्रेम से भगवान की प्रकृति और प्राकृतिक गुणों से रहित स्वरूप का वर्णन किया और फिर उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और चुप हो गए। उसके ऊपर नरसिंह भगवान ने उनसे कहा, कहते हैं श्री भगवान वाच प्रल्लार भद्र भद्रंते प्रीतोहम तेसुरोत्तम वरम ऋणीष्वाभिमतम काम पूरोस्मि हम नृणाम। हे कल्याण स्वरूप प्रल्लाद तुम्हारा कल्याण हो और हे दैत्य श्रेष्ठ मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और मैं अब तुमको कोई भी इच्छा पूरा करा सकता हूँ क्योंकि सभी की इच्छा पूरा कराने की मेरी क्षमता है और मैं सभी के मनोरथ पूर्ण करने वाला हूँ। इसलिए सभी कल्याणकामी परम भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर के अपनी समस्त वृत्तियों से मुझे प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। अब इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने प्रह्लाद जी को कहा अब आप अपनी कामना के लिए जो चाहे मांग लो। जब ऐसी बात कही तो प्रह्लाद जी को बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि उन्होंने समझा कि वरदान मांगना, देखो ये बहुत सुंदर बात है, भक्ति योगस्य तत्सर्वम अंतराय तब तैयार भकहा मन्यमानो ऋषिकेशम स्मयमान उवाच ही। उनको हृदय में दुख हुआ और वो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाते हुए समझ गए थे। और क्या समझ गए थे कि भक्ति के मार्ग में कुछ मांगना ये सबसे बड़ा विघ्न है। जो मांगता है उसका तेज नष्ट हो जाता है। इसीलिए उन्होंने भगवान से कहा कि मामाम प्रलोभयति असक्तम कामेशु तै वरैहि तत्संग भीतो निर्विण्णो मुमुक्षुत्वाद उपाश्रितः। कि हे भगवान, मैं तो पहले ही जन्म से ही काम में आसक्त हूं और इन वरों के द्वारा क्या मुझे और कामनाओं में फंसाना चाहते हो? मुझे तो लगता है कि मैं उसी भोगों के संग से डर करके तीव्रता का वेदना का अनुभव करके उनकी उनसे छूटने की अभिलाषा से आपके शरणों में आया हूं और आप मुझे कहते हैं और वर मांग लो कामना पूरी करो। मुझे लगता है कि मुझ में कोई भक्त के लक्षण ही नहीं होंगे, इसीलिए आपने मुझे इस प्रकार से मांगा है, कहा है कि वर मांगो अपनी इच्छा पूरा करो। देखो मैं तो समझता था कि मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जब आपने कहा इच्छा पूरी कर लो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे हृदय में कोई ना कोई इच्छा छिपी जरूर होगी और इसीलिए आपने कहा। इसीलिए भगवान मैं केवल एक ही बात कह सकता हूं कि मेरे हृदय से इच्छा को ही निकाल लो, यही वर मांगता हूं। ये कहने के पहले उन्होंने बहुत ही सुंदर बातें कही कि मुझे लगता है कि कहीं आप मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे कि इच्छा पूर्ति का वर देकर के देखे। यही बात नचिकेत के साथ हुई थी, यमराज ने की थी, अनेक प्रकार के भोग उनके सामने रखे गए लेकिन नचिकेत ने सबका तिरस्कार किया। तो यहां भी कहते हैं कि ये भोग मुझे जन्म मरण के चक्कर में डालने वाले हैं और मुझे लगता है परीक्षा के सिवा आपने किसी कारण से यह नहीं किया क्योंकि आप बड़े परम दयालु हैं। और यदि ये जो 2-3 श्लोक है बड़े सुंदर है, जो सेवक अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वो सेवक नहीं, वो तो केवल नौकर है और एक दूसरे को देने लेने का बनिया का धंधा कर रहा है।
और जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं, और जो सेवक से सेवा कराने के लिए उसका स्वामी बनने के लिए कामनाएं पूर्ण करता है वो स्वामी नहीं। देखो इसका अर्थ मालूम है क्या? जब हम किसी को टिप देते हैं ना, टिप देने का तात्पर्य क्या है? अगली बार जब आए तो अपने लिए अलग से टेबल और थोड़ा ज्यादा देना, थोड़ा स्पेशल देना, क्योंकि ये टिप देने का काम है। तो ये तो केवल खरीददारी है, भगवान के और भक्त के बीच में यह रिश्ता कभी नहीं होता। इसीलिए कहते हैं अहम त्वकाम भक्तस्त्वम न स्वाम्य अनपाश्रयः। और हमारा आपका रिश्ता कैसा है? मैं तो निष्काम सेवक हूं और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। दो बातें, सेवा में किसी भी कामना की पूर्ति की इच्छा नहीं और स्वामी के हृदय में सेवक से कोई अपेक्षा नहीं। ये दो बातें जब हो जाती है तब प्रेम का रिश्ता शुद्ध होता है। जो भगवान और भक्त, इसका जो प्रेम है, इस प्रेम में ये दो बातें हैं। भक्त को भगवान से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम बताने की इच्छा नहीं होती, भगवान मेरा ये काम करा दो, नहीं। और भगवान भी अपने भक्त से कोई अपेक्षा नहीं करते, निरपेक्ष। मेरा भक्त है, आज तो सुबह उसने मुझे नैवेद्य दिखाया नहीं, देखते हैं कल इसको कहां से खाना मिलता है, नहीं। तो भक्त है निष्काम है, और भगवान वो है जो निरपेक्ष है। जहां निष्काम और निरपेक्ष एक होकर के रहते हैं वहीं शुद्ध प्रेम का आविष्कार है। पति पत्नी के प्रेमों में ये दो बातें नहीं होती, और इसी के कारण सुबह से शाम तक के तू 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 मैं तू तू तू, और गुजराती हो गए तो हूं तू तू सुबह से शाम तक के वही मैंने इतना किया तुमने ये नहीं किया, अरे राम राम। किसी प्रकार की कामना ना हो, किसी से कोई अपेक्षा ना हो। और आगे कहते हैं यदि राशि समे कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय समरोहम भवतस्तु वृणे वरम। हे वरदान शिरोमणि स्वामी, यदि आप मुझे मुंह मांगा वन देना ही चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी भी कामना का बीज ही अंकुरित ना हो। देखो जो तैतृ उपनिषद में आनंद का वर्णन आता है उसमें आनंद मीमांसा का एक प्रसंग है, उसमें बताते हैं कि जो जवान हो, सभी प्रकार से सद्गुणों से युक्त हो, किसी प्रकार का रोग नहीं हो, दिखने में सुंदर हो, उसको अच्छी पत्नी मिली हो, संपूर्ण सृष्टि का राज्य मिला हो, राज्य में कहीं भूकंप हड़ताल नहीं चल रहा हो, किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, ऐसा जो संपूर्ण पृथ्वी का सम्राट होगा उसकी जो खुशी होगी वो मनुष्य का एक यूनिट आनंद है। फिर ऐसे 100 यूनिट आनंद हो गए, वो हो गए गंधर्व का आनंद, उसके बाद उसके गंधर्व का एक यूनिट आनंद, और फिर उस गंधर्व के 100 यूनिट आनंद जो हो गए उस वो होगा कर्मदेव का एक यूनिट आनंद, फिर कर्मदेव के 100 गुना जो आनंद हो गए वो होगा आजान देव का एक यूनिट आनंद। ऐसा करते 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 उसमें सब में एक बात आती है, ये सभी का सभी आनंद श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। लेकिन जिसने शास्त्रों के सिद्धांतों में निष्ठा प्राप्त कर ली है और अकामहतस्य, जो कामना के द्वारा मरा हुआ नहीं है, तो अपने जीवन के आनंद की पराकाष्ठा है, हृदय में कामना का संपूर्ण अभाव। और यही बात कहते हैं कि भगवान आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि मेरे मन में किसी भी चीज को लेकर के कोई भी कामना का उदय ना हुए। भगवान के सामने मांगना है तो इनके जैसे मांगना है। आगे कहते हैं इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हि व पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्प्यते। ये जो बातें हैं कि किसी के हृदय में कामना उदय ही हो गई तो इंद्रिय मन प्राण देह धैर्य धर्म बुद्धि लज्जा श्री तेज स्मृति सत्य ये सभी के सभी नष्ट हो जाते हैं।
और इसीलिए जिस व्यक्ति ने अपने हृदय से सभी कामनाओं का त्याग कर दिया है वह स्वयं भगवत स्वरूप है। भगवान में हमने एक ही फर्क है, भगवान में कामना नहीं और हम में कामना है। जिस दिन हमारे हृदय से कामना डिलीट हो गई, समझ लेना हम में भगवत्व आ गया है। इसके पश्चात नृसिंह भगवान उनको वरदान देते हैं और वो प्रसंग हम अभी तो टाइम है, मेरे घड़ी में तो टाइम है और मैं पढ़ता हूं, अभी और 5 मिनट पढ़ेंगे, थक तो नहीं गए ना। अच्छा, उसके पश्चात कहते हैं कि नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरये अद्भुते सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। तो ये हे उदार भक्त शिरोमणि भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं, यह आपका नृसिंह रूपधारी जो रूप है उसको मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं। उसके बाद नृसिंह उवाच, फिर नृसिंह भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जैसे जो भक्त होते हैं उनको तो दुनिया के किसी प्रकार की कामना होती ही नहीं, और फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए तुम ये मेरा वर स्वीकार कर लो कि एक मनवंतर तक तुम इस जगत में दैत्यों के अधिपति बनकर के भोग को स्वीकार करो, और उस समय सभी प्रकार के भोग भोगते हुए याद रखना कि सबका भोक्ता ईश्वर ही है। उस समय मेरी लीला कथाएं उनको सुनते जाओ, मेरी आराधना करते जाओ, और ऐसा करते करते तुम्हारे प्रारब्ध का क्षय होगा और पुण्य का आधान होगा, और ये दोनों धीरे करते करते जब तुम शुद्ध हो जाओगे फिर तुम इतने पवित्र हो जाएगी कि देवलोक में भी तुम्हारे कीर्ति का गान होगा, और इस प्रकार से योग्य समय आने पर तुम्हारा अपने कर्म बंधन से मोक्ष हो जाएगा। देखो भगवान ने क्या किया, उसके मन में भले उसको मालूम ना हो कि अनेक प्रकार की सुप्त कामना हो, फिर भी उसने ये कहा तो सही कि मेरे मन में कोई कामना उठे ही नहीं, लेकिन जो प्रारब्ध है, ये देखो सिद्धांत की बात है, जो प्रारब्ध है उसका भोग के द्वारा ही क्षय हो सकता है, प्रारब्ध का क्षय बायपास हो करके नहीं जा सकता। ये हमारे जीवन में जो जो आने वाला है अच्छा बुरा उसको कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए हमको सबको स्वीकार करना है। अपने जीवन में जो कुछ अच्छी बुरी बातें आने वाली है वो तो आएगी ही, फिर हमको क्या करना है, अपने आत्मबल को बढ़ाओ, जीवन में आने वाले कष्ट को सहने की शक्ति को बढ़ाना, यही भक्ति का कार्य है। और इसीलिए उन्होंने प्रहलाद जी को कहा कि अनेक भोग अभी तुम्हारे जीवन में है उनको भोगो, लेकिन हमेशा मेरा कथा श्रवण इत्यादि करते रहो, इसके द्वारा तुम्हारा प्रारब्ध भी समाप्त हो जाएगा और जितनी भी कामना है वो भी समाप्त हो जाएगी, और फिर तुम मेरे पास आ जाओगे। इतना कहने के बाद फिर प्रहलाद जी कहते कि आप अभी हमको वर देने के लिए कही रहे तो फिर मैं मांग ही लेता हूं, और कहते हैं कि मेरे पिताजी ने आपका बहुत द्रोह किया और कहा कि मैं ही सब कुछ हूं, और ऐसी गलत दृष्टि रखने के लिए आपने मेरे पिता को मार भी दिया है, लेकिन वैसे तो आपके दृष्टि से वो पवित्र हो ही चुके हैं, फिर भी उनके लिए कोई दोष ना रहे ये मैं आपसे मांगता हूं। इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि तुम्हारे जैसा पुत्र जिस घर में निर्माण होता है उसके तो 21 कुलों का उद्धार हो जाता है, इसीलिए तुम इसकी फिक्र मत करो, वो मुझ में आ गया है। उसके पश्चात वे आगे जाकर के कहानी बताएंगे कि किस प्रकार से यह जय विजय 3 योनियों में जाते हैं, पहले हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, फिर रावण कुंभकर्ण, और उसके बाद शिशुपाल दंतवक्र, और ये दंतवक्र की कथा खत्म होने के बाद फिर नारद जी विषय बदलेंगे और फिर अगली बात देखेंगे। अभी यहाँ पूरा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।